أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين مالك يوم الدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين أشرف الخلائق أجمعين إمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صلوات محمد تبار بلنتر صلوات برادران عزیز قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ عنکبوت کی آخری آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ آیت بہت فکر انگیز ہے اور خصوصیت کے ساتھ انسان کو ایک طرف دعوت عمل دیتی ہے اور دوسری طرف وعدہ نصرت الہی بھی کرتی ہے. خدا کی قسم یہ انسان ایسا غافل ہے کہ وہ اپنے رب کی قدر دانی بھی نہیں کرتا. یہ جملہ بھی جو میں نے عرض کیا ہے یہ قرآن مجید کی ہی ایک آیت کا ترجمہ ہے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ کی اپنے معبود کی قدردانی نہیں کی جیسا کہ قدردانی ہونی چاہیے. اور جب ہم معبود برحقی کی قدردانی نہیں کریں گے تو جو کچھ بھی ہم عبادت کریں اس عبادت کی حیثیت کیا ہوگی؟ معبود کی قدر شناسی نہ ہوگی تو عبادت میں گہرائی کیا ہوگی؟ عبادت میں رفعت کیا ہوگی؟ عبادت میں رسائی کیا ہوگی؟ حرف دعا رسا کیسے ہوگا؟ باب اجابت وا کیسے ہوگا جب ہم اس رب کی ہی قدر شناسی ہیں؟ یہ دنیا دار غفلت ہے مگر انسان دولت بیدار رکھتا ہے. اس کی روح، اس کا قلب، اس کا ضمیر، ضمیر انسانی وہ دولت بیدار ہے
जब आप जैसे भी भाषा में कहा कि गरीब मुल्क जो कि जिसके अलावा किसी और सरवत को दौलत बेदार नहीं कह सकते, जमीन कभी नहीं सोता, नफ्स इंसानी कभी नहीं सोता। मैं बराबर ये अर्ज करता हूँ, ये मजलिसें हमारे कदम जो है दरसगाहें हैं, ये मजलिसें तरबियत गाहें हैं, यहाँ से हमें इल्म भी मिलता है, यहाँ से हमारी तरबियत भी होती है। मगर याद रखिए, किसी भी मदरसे में, किसी भी तरबियत गाह में फ़ायदा वही उठाता है जो फ़ायदा उठाने का इरादा रखे। कितने स्कूल में जाने वाले बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से फ़ायदा उठाते हैं, कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो घर से स्कूल के लिए जाते हैं मगर स्कूल में वक्त ज़ाया करके वापस चले आते हैं। अगर उनका इरादा, उनकी नीयत कस्ब फैज़ की नहीं है, कस्ब इल्म की नहीं है, मैं इल्म के साथ इक्तिसाब का लफ्ज नहीं जोड़ता हूँ, कस्ब इल्म कहना ज़्यादा बेहतर है, इक्तिसाब इल्म नहीं कहना चाहिए। कुरान मजीद में नेकियों के लिए कस्ब का लफ्ज आया है, बुराइयों के लिए इक्तिसाब का लफ्ज आया है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा कसबत। कुरान मजीद की आयत है, नेकियों के लिए कस्ब का लफ्ज है, बुराइयों के लिए इक्तिसाब का लफ्ज है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कस्ब इल्म का इरादा ही जब नहीं रखते तो उन्हें मदरसा फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। यही हाल तरबियत का, तरबियत गाह में अगर कोई आ जाए और वो अपने नफ्स की तरबियत के लिए इरादा न रखता है तो फिर उसकी तरबियत नहीं हो सकती। मजालिस, वो भी मजालिस आज़ा, मजालिस ज़िक्र सैयदुश्शुहदा, मजालिस ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद, इससे बड़ा कोई मकतब, कोई मदरसा, कोई दरसगाह, कोई तरबियत गाह नफूस इंसानिया की तरबियत के लिए हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो लोग भी सुन रहे हैं, मेरे जवान बच्चे, मेरी माएँ बहनें, मेरे बुज़ुर्ग मर्द औरत, जहां तक आवाज़ जा रही है, सबसे पहले ये सोचें कि मजलिस आज़ा में किस इरादे से आए हैं। आप आज़ादार मजमा है, आप जब घर से चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं तो आप नियत करते हैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ मैं क़ुर्बतन इलल्लाह, करते हैं। रोज़ा रखते हैं तो आप नियत करते हैं रोज़ा रखता हूँ मैं या रोज़ा रखती हूँ मैं क़ुर्बतन इलल्लाह। मुस्तहब आमाल जब आप जबजा लाते हैं, सुन्नत नमाज़ें पढ़ते हैं, सुन्नती रोज़े रखते हैं, तब भी आप क़ुर्बतन इलल्लाह की नियत करते हैं। आप अगर आज़ादारी को मुस्तहब समझते हैं तो क्या आप घर से निकलते वक्त ये कहते हैं कि मैं मजलिस अज़ा में जा रहा हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह? देखिए ना, इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमाल की बुनियाद नियत पर है। अगर कोई शख्स पूरी नमाज पढ़े और नियत न रखता हो तो वो अमल नहीं अबस है। अगर कोई शख्स हज के लिए जाए, उम्रे के लिए जाए,
सफ़र भी करेगा, पैसा भी सर्फ करेगा, मेहनत भी करेगा, मशक्क़त भी उठाएगा, मगर अगर नीयत ना करे तो वो अमल नहीं आबस है। आप मजलिस अज़ा करते हैं, फर्श अज़ा बिछाते हैं, तबर्रुक का अहतमाम करते हैं, चरागा का अहतमाम करते हैं, खतीब का अहतमाम करते हैं, ज़ाकिर नौहा ख़ान का अहतमाम करते हैं, ये सब करते वक्त क्या आप नीयत करते हैं क़ुर्बतन जो लोग शिरकत करते हैं ख़वातीन की मजलिसें होती हैं। खुदा हमारे सरों पर हमारी माओ बहनों का साया बरकरार रखे, इन ख़वातीन के दम से मजहबी रसूम जिंदा हैं, बाकी हैं, ये तहजीब की अमानतदार हैं। मगर आज ये बात सुन के जाएँ और लिख कर अपने सफ़े दिल पर लिख कर जाएँ, जब भी मजलिस अज़ा करें बाकायदा दिल से और ज़बान से नीयत करें कि हम मजलिस अज़ा कर रहे हैं क़ुर्बतन इलल्लाह। ज़िक्र खुदा होता है, ज़िक्र खुदा होता है, ज़िक्र रसूल होता है, ज़िक्र आइम्मा है, कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं। ये कोई सो कॉल्ड कल्चरल एक्टिविटी नहीं है, ये ऐसी कोई कल्चरल एक्टिविटी नहीं है। इसके लिए नियत करें, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ पूरी तालिब इल्माना ज़िम्मेदारी के साथ, आज़ादारी सैयद शुहदा मुस्तहब है, मुस्तहबात के लिए नियत शर्त है, वाजिबात के लिए भी नियत शर्त है, मुस्तहबात के लिए नियत शर्त है। नियत करते हैं आप, नियत नहीं करते तो आज से आप चाहे मजलिस की बिना रख रहे हो, चाहे मजलिस में शिरकत के लिए जा रहे हो, आखिर ये एक बाजमात इबादत है। लेकिन जब आप जमात में शिरकत के लिए भी जाते हैं तब भी आप नियत करते हैं क़ुर्बतन इलल्लाह। मस्जिद की मजलिस की बुनियाद रखने वाले को भी नियत करनी चाहिए क़ुर्बतन इलल्लाह, और मजलिस में शिरकत के लिए जाने वालों को भी नियत करनी चाहिए क़ुर्बतन इलल्लाह। और ये भी अर्ज़ करता रहा हूँ, रिवायात से भी साबित है, वैसे भी विजदानन और अरबाब कशफ शहूद उनका मुशाहदा है, मजलिसों में मासूम रूहें आती हैं, फरिश्ते आते हैं, मलाइका की शिरकत होती है, जहाँ जिक्र मुहम्मद होता है, जहाँ जिक्र अली होता है, जहाँ जिक्र अहले बैत होता है, वहाँ मलाइका शिरकत करते हैं। मलाइका ही नहीं, खुदा शरीक होता है। सल्लु अलैहि व सल्लमू तस्लीमा।
उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। चूंकि वो भेजता है इसलिए वो चाहता है कि उसके काम में हम भी शरीक हो जाएं। आयत का मिजाज देखिए, आयत का मिजाज। दरूद भेजो, सलाम भेजो, हम भी तुम्हारे साथ शरीक हो जाएंगे। ये नहीं कहा गया हम भेजते हैं तुम भी भेजो। हम भेजते हैं इन नौ बमलाता हो बतहकीक, बेशक बेशक अल्लाह दरूद भेजता है, उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान लाने वालों, तुम भी दरूद भेजो और तुम भी सलाम भेजो जो सलाम भेजने का हक है। ये आम तर्जुमा कर रहा हूँ, मेरा तर्जुमा इससे मुख्तलिफ है। इससे जो इस्तेफादा है वो ये है कि आप इस मुस्तहब काम को, ये मुस्तहब है मगर ऐसा मुस्तहब है जो बहुत से वाजिबात से अफजल है, मगर अफजल होने के मानी ये नहीं होते कि इसके अदा करने से वाजिब साबित हो जाए। मुस्तहब अदा करने से वाजिब साकित नहीं होता। आपने कभी सुना है कहीं ये मसला लिखा हुआ है, किसी आयत से साबित होता है? नमाज शब पढ़ना, तहज्जुद की नमाज पढ़ना, नमाज शफ़ पढ़ना, नमाज वितर पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन कहीं ये है कि जो शख्स तहज्जुद गुजार हो उसे पांच वक्त की वाजिब नमाजें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? जो शख्स तहज्जुद गुजार हो उसे वाजिब नमाजें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? ऐसा नहीं है। जो शख्स तहज्जुद गुजार हो, नमाज तहज्जुद की फजीलत बहुत ज़्यादा है, फजीलत बहुत ज़्यादा है, सवाब बहुत ज़्यादा है, तासीर बहुत ज़्यादा है। नमाज तहज्जुद बंदे को मेराज तक पहुँचाती है। नमाज तहज्जुद खुसूसी मुलाकात है अल्लाह के साथ। नमाज पंजगाना उमूमी मुलाकात है, नमाज तहज्जुद खुसूसी मुलाकात है। खुसूसी मुलाकात के बावजूद खुसूसी मुलाकात में कोई हाकिम उसी को इजाज़त देता है जो उमूमी मुलाकात में बाअदब हमेशा हाजिर रहे। से खुसूसी मुलाकात की परमिशन मिलती है। अगर कोई शख्स अमूमी मुलाकातों में गायब है तो खुसूसी मुलाकात की इजाज़त मिल ही नहीं सकती। अगर कोई पंज वक्ता नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज शब कबूल ही नहीं होगी, मगर अगर कोई शख्स नमाज पंजगाना पढ़ता है तो उसकी नमाज शब न सिर्फ ये कि कबूल होगी बल्कि बे इंतहा बरकत का सबब बनेगी, बे इंतहा इफ़ाहात इलाहिया का सबब बनेगी। तो मुस्तहब का सवाब ज़्यादा होता है मगर बाज़ मुस्तहबात,
बाज मुस्तहबात का सवाब ज्यादा होता है मगर उससे वाजिब साकित नहीं हो जाता, उससे वाजिब साकित नहीं हो जाता। सलाम करना मुस्तहब है, जवाब सलाम देना वाजिब है। सलाम का सवाब बहुत ज्यादा है, जवाब का सवाब सिर्फ एक है, एक और 70 का फर्क है। जो रिवायतें हैं उसमें 1 और 70 का फर्क है। जवाब सलाम देने का सवाब एक है, इब्तिदा करना सलाम में, पहल करना सलाम में, किसी को सलाम कहना सलामुन अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम, ये कहना ये मुस्तहब है मगर उसका 70 सवाब है। इसके ये मानी नहीं है कि अगर कोई शख्स हमेशा सलाम करता हो हर छोटे बड़े को और कोई उसको सलाम करे तो वो जवाब ना दे। जनाब मैं तो सलाम करता हूँ इसलिए जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, है? वो गुनाहगार होगा, गुनाहगार। फर्श आज़ा बिछाना, जिक्र मज़लूम करना, जिक्र रसूल आले रसूल करना मुस्तहब है, बहुत से वाजिबात से ज़्यादा है इसका सवाब, मगर वाजिबात को साकित नहीं करता, वाजिबात को साकित नहीं करता, मुस्तहब है। चूँकि मुस्तहब है इसलिए नियत क़ुर्बत भी शर्त है और साथ में उनके लिए भी नियत क़ुर्बत शर्त है जो मेंबर पर आए जिक्र करने के लिए। मैं जिक्र कर रहा हूँ मेंबर पर क़ुर्बतन इलल्लाह, मैं सोसखानी कर रहा हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, मैं नौहा पढ़ रहा हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। किसका जिक्र कर रहे हैं? जिक्र खुदा और रसूल है, क्या समझ के कर रहे हैं? अबस या अमल? नियत नहीं होगी तो अबस हो जाए, नियत होगी अमल हो। तो एक तो नियत शर्त है और दूसरी चीज ये शर्त है, अगर मुमकिन हो, जहां तक मुमकिन हो, बाप हुजूर है, बाप भारत रहे क्योंकि मलाइका शरीक है, मलाइका शरीक है। आदाब में, आदाब में हमेशा बावजूद रहना चाहिए, हमेशा बावजूद रहना चाहिए, लेकिन खास तौर से जब तिलावत कुरान कर रहे हों तो बावजूद हो, जब जिक्र खुदा और रसूल कर रहे हों तो बावजूद हो, मजलिस आज़ा में आ रहे हों तो बावजूद हो, आदाब मजलिस। और जब ये जिक्र इन शरायत और आदाब के साथ और नियत कुर्बत के साथ होगा तो फिर इसकी बरकतें बेशुमार, इसकी बरकतों का अंदाजा कोई नहीं कर सकता, इसकी नूरानियत का अंदाजा कोई नहीं कर सकता। फिर ये हमारे नफूस की तरबियत करेगा, दूसरों की तरबियत से पहले अपने नफ्स की तरबियत की फिक्र होनी चाहिए। देखिए जब कोई मेंबर पर आता है या मजलिस बर्पा करता है तो उसकी फिक्र होती है कि हम दूसरों को सुनाएं और बताएं कि हमारा दीन क्या है, हमारा मजहब क्या है, हम क्या है। दूसरों को सुनाने की फिक्र इतनी होती है, अपने गोशे दिल में कितनी आवाज गूंज रही है। अगर मामला नफे और नुकसान का है, अगर मामला नफे और नुकसान का है तो सबसे पहले मुझे अपने नफे की फिक्र होनी चाहिए या आपके नफे की? मुआसात का मरहला दूसरा है,
दूसरे के लिए ईसार करना, दूसरे के लिए ईसार वही तो करेगा जिसके पास ईसार करने के लिए कुछ हो। आपके पास पैसा होगा तब वो पैसा दूसरों पे खर्च करेंगे, आपके पास दौलत होगी तब वो दौलत दूसरों के काम आएगी, आपके पास कुव्वत और शजाअत होगी तब दूसरों के काम आएगी, आपके पास इल्म और हुनर होगा तब दूसरों के काम आएगा। लेकिन अगर आप ही के पास इल्म और हुनर नहीं है तो दूसरे को आप कैसे बाइल्म बाहुनर बना सकते हैं? अगर आपके पास दौलत नहीं है तो दूसरे पे कैसे ईसार कर सकते हैं? अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप दूसरे की दस्तगीरी कैसे कर सकते हैं? पहले आप अपने अंदर ताकत पैदा करें। हम जब यहाँ आए मेंबर पे जो आए उसे फिक्र होनी चाहिए, परवरदिगार जो मैं जिक्र कर रहा हूँ इसका मुझे भी सवाब हो, इन सबको सवाब, परवरदिगार जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर अमल की मुझे भी तौफीक दे, इन सबको तौफीक। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो हम सुनेंगे पहले हम उस पर खुद अमल करेंगे फिर दूसरे अमल। यही एक मैदान है जहां मुनाफसत की इजाजत दी गई है, तरगीब दी गई है। दुनिया कमाने के लिए एक दूसरे के आगे मत भागो, मगर खैरात की राह में एक दूसरे से सबकत करने की कोशिश करो। नेकियां समेटने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ें। सबसे बड़ी नेकी क्या है? अपने नफ्स को जाया होने से बचा लीजिए, अपने नफ्स को हलाक होने से बचा लीजिए। और अपना नफ्स, जब आपका नफ्स बच गया, यही कुरान मजीद ने कहा है, उवन फुसकुम व अहलीकुम नार, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को आतश जहन्नम से बचा लो। अपने आप को, ये कू उसी रूट वर्ड से है जिससे तकवा है, उसी रूट वर्ड से है जिससे तकिया है, सेगे आमर है। बचाओ अपने आप को, खूब अनफुसकुम अपने आप को बचाओ, व अहली को और अपने घर वालों को बचाओ, किससे? आतशे जहन्नम से बचाओ। अपने नफ्स को बचाइए, अपने नफ्स को बचाने के लिए आपको अपने नफ्स को ढालने के लिए अपने नफ्स की कदर कीमत जानना चाहिए। आपका नफ्स बहुत अजीज है, आपका नफ्स बहुत नफीस है, आपका नफ्स बहुत कीमती है। ये नफ्स जाया ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, हलाक ना हो जाए। मजलिसे हुसैन और फर्श आजाद तरबियत गाह है किसकी? नफ्स इंसानी की तरबियत। अखलाक इलाहिया का बयान कहीं होता हो या ना होता हो, फर्श आजाद पर अखलाक इलाहिया का बयान होता। नुफूसे कुदसिया मोहम्मद व आले मोहम्मद का बयान दरअसल अखलाक इलाहिया का बयान है। और हुक्म दिया गया है हमें, तखल्लुक बि अखलाकिल्लाह, तुम अपने अंदर अल्लाह के अखलाक पैदा करो। किससे कहा गया है? हमसे, आपसे कहा गया है, अपने अंदर अल्लाह के अखलाक पैदा करो। मैं अपने अंदर अगर अल्लाह के अखलाक पैदा नहीं करूंगा तो अपने बच्चे के अंदर कैसे अल्लाह के अखलाक पैदा, और मैं अपने बच्चे के अंदर अखलाक इलाहिया पैदा नहीं कर सकूंगा तो महल्ले वालों के अंदर क्या अखलाक इलाहिया पैदा करूंगा? अखलाक इलाहिया पैदा करूँ। अखलाक इलाहिया दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाए जा रहे हैं, अखलाक इलाहिया की यूनिवर्सिटी दर्सगाह है। वालिदैन आते हैं और अपने साथ अपने बच्चों को लाते हैं, उन्हें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम एक तरबियतगाह में जा रहे हैं, एक दर्सगाह में जा रहे हैं, हम किसी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, हम किसी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं। जब तक ये स्पिरिट पैदा नहीं होगी हमारी मजलिसें खुद आका हुसैन कबूल नहीं करेंगे। जो चीज हुसैन कबूल ना करें उसे खुदा कबूल नहीं करेगा। खुदा वही कबूल करता है
हुसैन कबूल करे। इसकी हुर्मत को समझिया, जहां बगैर वजू आना खिलाफ अदब हो, वहां ना शाइस्ता अल्फाज जबान पर आना। सैर और सुलूक, सुलूक इलल्लाह, खुदा की तरफ सफर, इसके जो आदाब हैं, सफर शुरू कहां से होता है? बहुत मुद्दई सैर और सुलूक के गली कूचों में बढ़ गए हैं, मारिफत के दावेदार बहुत पैदा हो गए हैं, इश्क के दावेदार बहुत पैदा हो गए हैं। उनसे पूछिए कि आदाब तरबियत नफ्स क्या है, सफर शुरू कहाँ से होता है, खत्म कहाँ जाकर होता है? पूछिए, सफर शुरू वहां से होता है कि इंसान को ज़कात नफ्स देनी होती है। ज़कात नफ्स क्या है? ज़कात नफ्स का आगाज कहाँ से होता है? والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا। इस कुरान मजीद की आयत में कहा गया है कि जो लोग हमारी राह में मुजाहदा करते हैं, हमारी राह में जिद्दोजहद जहद सर्फ करते हैं, कोशिश करते हैं, हम खुद उनके लिए राहें खोलते चले। कदम उठाना शर्त है, रास्ता तय कराना खुद उसने अपने जिम्मे ले रहा है। करने वाले को रब कहते हैं, परवान चढ़ाने वाले को रब है। तो उस रब ने कहा बस तुम इरादा करो, कदम उठाओ, रास्ता तय करना हमारा जिम्मा। والذین جاهدوا فینا, जो लोग हमारे लिए, فینا فی سبیلنا नहीं, والذین جاهدوا فینا, जो हमारे लिए अपनी तमाम ताकत सर्फ करते हैं, कोशिश करते हैं, मुजाहदा करते हैं, لنهدینهم سبلنا, बेशक यकीनन हम उनको अपनी राहों की तरफ रहनुमाई करते हैं। وإن الله لمع المحسنين, और बेशक अल्लाह तो हमेशा मुहसिनीन के साथ है, नेकुकारों के साथ है, मुहसिन बनने के लिए, एहसान की मंजिल तक पहुंचने के लिए, अल्लाह की राह में कदम उठाने के लिए कुछ शरायत है। आंखों का तज़किया रियाजत चश्म है, रियाजत ज़बान है, रियाजत गोश है, रियाजत बीनी है, रियाजत दस्त है, रियाजत पा है, हर चीज की रियाजत है, आंखों की रियाजत है, कानों की रियाजत है, जबान की रियाजत है। सबसे बड़ी अलामत अहले सैर व सुलूक की यह है कि उसकी जबान खामोश रहती है। जिसे इश्क की दौलत देते हैं उसकी जबान पे मोहर लगा देते हैं। आशिक ऐलान नहीं करता फिरता कि मैं उसका आशिक हूँ, ये ऐलान करना कि मैं उसका आशिक हूँ खुद रकीबों को पैदा करने के मुतरादिफ है। ये कहना मेरा फुला मेरा माशूक है, रकीबों को पैदा करना इश्क, पहला आदब इश्क का ज़बान की पाबंदी है, पहला आदब इश्क का ज़बान की पाबंदी है, और उसके बाद अगर लब खुले भी तो अल्फाज शाइस्ता हो, ज़बान शाइस्ता हो। ज़बान की शाइस्तगी शर्त है, ज़बान ऐसी हो
कि रकीब भी उसे सुनकर कहे कि ये तो शहद और शक्कर है, ये तो शरबत असल है। ज़बान हो तो ऐसी, ज़बान हो तो ऐसी। अहले बैत अतहार ने किसी को किसी से न कभी बदकलामी की, ना अपने चाहने वालों को बदकलामी की इजाजत दी। दुश्मनों पर लानत भेजना बदकलामी नहीं है। लानत बदकलामी नहीं है। अगर लानत कलिमा बद होता तो कुरान में ना होता। कलिमा जबान पर नहीं आना चाहिए, खुश कलिमा जबान पर नहीं आने चाहिए, खिलाफ तहजीब जबान हमारी नहीं होनी चाहिए। दुश्मनान आले मोहम्मद गैर मुहज्जब हैं, गैर मुहज्जब जबान गैर मुहज्जब बोलता है। हाकिम से कहेंगे तो उसके दिल में भी बात उतर जाएगी। हम अल्लाह से दुआ करेंगे तो फौरन दुआ कबूल हो जाएगी। चाहते कि ज़बान हमारी पाक हो, ज़बान आलूदा ना हो। इश्क ज़बान की तफहीर सिखाता है, इश्क पूरे वजूद को पाक करता है। इश्क वो आग है जिसमें इंसानी वजूद जल के कुंदन बनता है। घर के कुंदन बन जाता खालिस सोना, इसमें कोई शायबा नहीं। ये शान होनी चाहिए आले मोहम्मद की। हमारी बज़्म हो, मजलिस हो, मातम हो, फर्श अज़ा हो, हम सड़क पर जुलूस में हो, जहां भी हो, हमारी एक आन होनी चाहिए, एक शान होनी चाहिए, एक जाहो हशम होना चाहिए। और वो जाहो हशम तमद्दुन की शान होनी चाहिए, वो जाहो हशम तहजीब के लिए काबिल रश होना चाहिए। काबिल रश मुजाहिद है नफ्स अरबाब सैर व सुलूक व मारिफत व रियाजत। रियाजत शुरू होती है ज़बान से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तूर दीजिए। हमारे उस्ताद इकरामे कादर और हमारे उस्ताद क्या जहां उस्ताद जगत उस्ताद, इस वक्त वो चंद नफूसे कुदसिया के जो इल्म इरफान और सैर व सुलूक में दर्जे कमाल पर पहुंचे हुए हैं, उनमें से एक बुजुर्गवार हजरत अल्लामा ज़ू फ़नून आयतुल्लाह हसन हसनज़ादे आमली की जिंदा हैं, हयात हैं। बिरादर अज़ीज़ जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सलमान नकवी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, अफ़ाज़िल हौज़े क़ौम से इनसे पूछिए कि जनाब आयतुल्लाह हसन हसनज़ादे आमली का क्या रुतबा है। सिर्फ सैर व सुलूक ही में नहीं, फ़िक़्ह में मुश्तमिल, उसूल फ़िक़्ह में मुश्तमिल। दायर फ़िक़्ह में वो मुश्तहिद हो ही नहीं सकता जो उसूल फ़िक़्ह में मुश्तहिद ना, उसूल में मुश्तहिद, फ़िक़्ह में मुश्तहिद, रिजाल में साहिब तस्नीफ। और इन उलूम शरिया के अलावा उलूम अदबिया में नहव व सर्फ़ में साहिब तस्नीफ, फ़लसफ़े में साहिब तस्नीफ, इरफ़ान में साहिब तस्नीफ, रियाज़ियात में साहिब तस्नीफ, फ़लकियात में साहिब तस्नीफ, एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी नहीं कह रहा हूँ, एस्ट्रोनॉमी में साहिब तस्नीफ,
मेरे सामने कज़वीन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वो आए थे स्पेस ज्योमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व कराने के स्पेस ज्योमेट्री आयतुल्लाह हसन हसन जादे आमली खुदा उनका साया पर फाड़ के फेंक देगा। जरा सा अगर सीने तमीज को जरा सा अगर शऊर है
तो वो उसे मुट्ठी में बंद रखेगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। जरा और तमीज वाला हुआ तो आप उसे बताएंगे, बेटा ये पैसा दे रहे हैं हम, इससे जाकर अपने लिए फल ले आओ, शीरीनी ले आओ, या अपने लिए कोई ऐसी चीज ले आओ जो फायदेमंद हो। जब आप उसे बताएंगे तब वो उसे खर्च करेगा। कोई बच्चा जब तक आप उसे तरीका ना बताएं कि कैसे खर्च करना है, वो खर्च नहीं कर सकता। हम सब नादान हैं, हमारे पास नफ्स है, हमारे पास ताकतें हैं, मगर हम कैसे खर्च करें जब तक के कोई बताए नहीं। उसी बताने वाले का नाम मुज्तहिद होता है। जरूरी है, बगैर तकलीफ के कुछ नहीं हो सकता। जो लोग तकलीफ की मुखालिफत करते हैं और वो दावत देते हैं अपने नफ्स की तरफ, मेरी सुनो मुश्तहिद की ना सुनो, किसी की भी सुनना तकलीफ है। कलम से ऐसा लिटरेचर नहीं छपा कि जवानों फिल्मी दुनिया की तकलीद ना करो।
تذریف نفس نہیں تقویت نفس.
रोज़ा नफ्स को कुव्वत बख्शता है, नफ्स को कमज़ोर नहीं करता। रोज़े की फ़ज़ीलत में हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है अस्सौमु ली व अना उज़्ज़ा बिही। ये कलिमा उज़्ज़ा और उज़्ज़ी दोनों पढ़ा जा सकता है। अस्सौमु इसमें तो इख्तिलाफ नहीं है, ये मिला समझ गया। अलिफ लाम स्वाद वाव मीम, मीम पर पेश। अस्सौमु ली, लाम छोटी है, ली यानी मेरे लिए। व अना और मैं, उज़्ज़ी बिही या उज़्ज़ा बिही। अलिफ जीम ज़े छोटी है, उज़्ज़ा पढ़े या उज़्ज़ी पढ़े। अगर किसी आलिम की जरूरत नहीं है तो ये मसला कैसे हल होगा? अल्लाह ने क्या फरमाया, उज़्ज़ी फरमाया या उज़्ज़ा फरमाया? इमला तो एक, हर सफ़े पर दसियों ऐसी मिसालें मिले हदीस की किताब। हदीस साबित हदे नजर उस मुश्किल के जो कल अर्ज की थी। कल तो मुश्किल ये अर्ज की थी कि झूठी हदीसों में से सच्ची कैसे निकाले। कल कह चुका, उसे नहीं दोहराना चाहता। पहली मुश्किल ये, तो झूठी हदीसें इस तसद से हैं, उसमें से सच्ची कैसे निकाले, सच्ची में से झूठी अलग कैसे करें। सच्ची और झूठी हदीस को वही अलग कर सकता है जो लहजा शनास हो। ये सिलसिला आगाए सिस्तानी की तबलीगियों की जाए, आगाए
ناصر مکارم شیرازی کی تبلیغ کیوں کی جائے, آغائے بہجت کی تبلیغ کیوں کی جائے, یہ کون ہوتے ہیں؟ ارے یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے سینہ با سینہ, سلسلہ با سلسلہ, گوش با گوش, دہن با دہن, Yeah.
अच्छी है तो हम कहें सजदे से अच्छी कौन सी चीज होगी। एक मुगालता हो सकता है आपको कि साहब सजदा करने पर नहीं इनकार सजदा पर शैतान को इबलीस बनाया गया है। बिल्कुल वाजे मैं मुतवज्जे हूँ, जब हम कोई बात कहते हैं तो इश्काल पहले सोच लेते हैं कि वो गैर खुदा है तो ये तौहीद का तकाज़ा। तो गोया इबलीस अपनी तौहीद पर नाज़ा है। हज भी हम इखलास के साथ करते हैं,
लेकिन कोई अमल ऐसा नहीं है जिस पर किसी दूसरे की नजर न पड़े। जहां संभल के की परत इस इरादे से कि लोग सुन रहे हैं नमाज गई क्या ख्याल है लोग सुन रहे हैं परत अच्छी होनी चाहिए नमाज गई जो कि शिर्क हो गया रिया हो गई रिया दाखिल हो गया दिखावा हो गया नफ्स दाखिल हो गया शिर्क यानी नफ्स दाखिल हो गया खुदा के साथ अपने आप को शरीक कर लिया या दूसरों को शरीक कर लिया। नमाज में रिया है मुख्तलिफ अगर अखबारी नमाज में तो इस तरीके से खड़े हैं इतना तवील रुको है इतना तवील सजदा है इतना तवील कुनूत है कहीं भी कोई अमल अगर जरा सा हुआ रिया शामिल हज में रिया शामिल कोई इबादत ऐसी नहीं है जो मुकम्मल तौर पर सिर्री हो इल्ला रोजा सिर्फ रोजा वो है कि जो आप जानते हैं और खुदा जानता है कि रोजा है या नहीं ये भी मुमकिन है घर का कोई आदमी भी ना जानता हो नजर आएंगे रोजे से आप हो रोज ऐसे और नजर आए रोजे से मुमकिन है कि आप अपनी जगह तो रोज जैसे हो रोज ऐसे हो मगर दूसरों के सामने आप रोजे से हो मेरे लिए अपना नफ्स दे दे मैं उसके सुपुर्द अपनी जात कर देता
تن تن ہو اس کی نماز کتنی بلند ہوگی اس کا روزہ کتنا بلند ہوگا اور دوسرا جملہ عرض کروں جس کے سو جانے کی قیمت مرضی رب ہو اس کے روزے کی قیمت کیا ہوگی بہت بلند ہے
कोई बता नहीं सकता कितना अजर है, कितना अजर है यार, बहुत अजर है। क्योंकि अय्याम अज़ा है, इसलिए क्योंकि मुहर्रम और सफर के अय्याम है, इसलिए बस इशारा किया मैंने। तसलसुल कलाम में शहादत अमीरुल मोमिनीन का जिक्र आ गया ज़मान पर, मगर अब बस एक जुमला और अर्ज करना चाहता हूँ, यही कूफा है।
لفظ کی توفیق عطا فرما معبود ہمارے معاشرے کو علم و ادب سے جوڑ دے پروردگار ہمارے عوام کو علماء سے وابستہ رکھ پروردگار خصوصیت سے اہل لاہور کے سروں پر مرجع تبلیغ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بشیر نجفی صاحب کا سایہ برقرار رہے ہمارے لاہور کے جتنے علماء ہیں وہ سلامت رہیں ان کی توفیقات میں اضافہ ہو آیت اللہ سیستانی سلامت رہیں آیت اللہ ایک مرتبہ سورہ حم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین مؤمنین مؤمنات کو ایصال فرمائے خصوصیت کے ساتھ سید ذوالفقار حسین فاضل مقبل دہلوی مرحوم سیدہ خورشیدہ خاتون سید قابل السلام علیکم یا باب اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید المسیحین السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا و سید النساء العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس ایوہ المدفون بارض الدوس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الاسر والضمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظهورک السلام مسجد انتظامیہ کی طرف سے اور قبلہ مولانا نبی تصحیح شفی صاحب کی طرف سے جو ہمارا یہ پروجیکٹ ہے قبرستان کا وادی صاحب الزبا کے لیے ہم تمام مومنین سے درخواست کریں گے اپیل کریں گے کہ ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو کر سوا